भिंड से बड़ी खबर, जहां रौन नगर परिषद में मतदाता पर हमला किया गया। बता दें कि मतदान केंद्र के बाहर एक मतदाता पर हमला किया गया। लाठी डंडे से जमकर बेरहमी से पिटाई की गई। हमले के दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी पति सुखवीर पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। अपने पक्ष में वोट डालने का दबाव बना गया था, मतदान से धमकी दी गई थी और इसी के चलते ये पूरा मामला हुआ। बता दें कि मामला रौन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये खबर आपको बता रहे हैं भिंड से, जहां रौन नगर परिषद में मतदाता पर हमला किया गया। मतदान केंद्र के बाहर एक मतदाता पर हमला किया गया। लाठी डंडे से जमकर मतदाता की पिटाई की गई। तो वहीं पर हमले के दौरान बूथ के बाहर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी पति सुखवीर पर मारपीट का आरोप लगाया है मतदाता ने। तो भिंड से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर रौन नगर परिषद में मतदाता पर हमला किया गया। मतदान केंद्र के बाहर एक मतदाता पर हमला किया गया, जहां पर मतदाता की बेरहमी से पिटाई की गई। बीजेपी प्रत्याशी पति सुखवीर पर मारपीट का आरोप लगाया है मतदाता ने। अपने पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाया और जब मतदाता ने इससे मना कर दिया तो उसके साथ में मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, भिंड से एक खबर सामने आ रही है जहां पर मतदाता पर हमला किया है, पूरी जानकारी क्या है? धर्मेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो धर्मेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। भिंड से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां रौन नगर परिषद में मतदाता पर हमला किया गया है। मतदान केंद्र के बाहर एक मतदाता पर हमला किया, जहां लाठी डंडे जमकर बरसाए गए। बता दें कि मतदाता का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी पति सुखवीर पर मारपीट का आरोप लगाया। मतदाता का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी पति सुखवीर उन पर मतदान करने को लेकर दबाव बना रहा था और जिससे लेकर मतदाता ने मना कर दिया और इसी के चलते उसके साथ में मारपीट की गई है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में संवाददाता धर्मेंद्र ओझा जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, भिंड से खबर सामने आ रही है जहां पर मतदाता के साथ में मारपीट की गई है, पूरी जानकारी क्या है? जी मैम, मैं बताना चाहूंगा, जो मतदाता है उनके परिवार से एक सदस्य प्रत्याशी जो खड़ा हुआ है वोट डाल के आ रहे थे। इन लोगों ने प्रयास बनाया कि अपने भाई को बैठाने का प्रयास करें चुनाव में। अब वो सामने वाले व्यक्ति चुनाव में नहीं बैठा तो उन्होंने जैसे ही वो वोट डाल के घर की ओर जा रहा था, लगभग 15 से 20 दिन से लगातार उसको घेराव किया जा रहा था। जी जी, उसको ये नहीं लगा कि आज हमारे साथ में मारपीट की जाएगी। तो वो मतदाता वोट डाल के जैसे ही घर की ओर आ रहा था तो 15 से 20 लोगों ने रास्ते में उसके साथ में जमकर मारपीट कर। जी धर्मेंद्र, देखा जाए तो मतदाता ने इसकी शिकायत की थी, तो उसके बाद में क्या कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की ओर से हमलावरों पर? जी मैं बताना चाहूंगा मैम, डीएसपी हेडक्वार्टर अरविंद साहब मौजूद थे, उन्होंने तत्काल उसके आवेदन पर तत्काल FIR किए और 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही तत्काल डीएसपी हेडक्वार्टर ने 5 लोगों को जल्दी से गिरफ्तारी करने के आदेश भी दिए हैं। इसको लेके लगातार पुलिस एक राउंड उनके घर के भी नजदीक हो आई है। मारपीट करने वाले अभी घर पर नहीं मिले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो भिंड से एक खबर जहां पर रौन नगर परिषद में मतदाता पर हमला किया गया। बता दें कि मतदाता का आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी पति सुखवीर दबाव बना रहा था वोट डालने को लेकर और जिससे मतदाता ने मना किया और इसी के चलते उसके साथ में तमाम हमलावरों ने हमला किया। आ रहे थे जिन्होंने 4-5 लोगों ने घेर के हमको मारपीट की। अच्छा, कौन लोग थे? वे राम भी रहते, सुख भी रहते और राम सागर रहते और जो श्यामू रहते। किस बात पे मारपीट हुई आपकी? इसमें वोट हमने उनको नहीं दिया बीजेपी को, इसलिए मारपीट की है। अच्छा, बीजेपी नेता मतलब कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट करी है? हाँ, प्रत्याशी द्वारा कि कार्यकर्ता? नहीं, प्रत्याशी द्वारा। क्या नाम है प्रत्याशी का? प्रत्याशी का नाम है सुखवीर है और रामवीर है और श्याम और प्रत्याशी तो एक ही होगा ना? नहीं, उनके घर के ऐसा प्रत्याशी तो उनकी प्रीति है, उनकी पत्नी पति का नाम है सुखवीर। क्या पहले से कोई पुरानी रंजिश चल रही है? नहीं सब, कोई रंजिश नहीं थी। जी अभी सूचना मिली थी कि मतदान केंद्र यहाँ मिडिल स्कूल मतदान केंद्र है,
वहां से लगभग 500 मीटर दूरी पर दो गुट आपस में लड़ गए थे। सूचना मिलते ही तत्काल यहाँ के थाना प्रभारी अपनी क्यूआरटी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि मौके से पार्टियां तो उसमें से चली गई थी, दोनों पार्टियां गायब हो गई थी, उसमें से एक पार्टी भी थाने पर आ गई है, दूसरी पार्टी भी थाने पर आ रही है। देखते हैं दोनों पार्टियों को सुनकर के मामला क्या।